जयपुर से बड़ी खबर, व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पुलिस बाधक बनी। हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा था, महेशनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फेक कॉलर ने कंट्रोल रूम को दी सुसाइड की सूचना, जिसके बाद इस तरह का वाकया पेश आया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। पुलिस फेक कॉलर का पता लगा रही है, कॉल करने वाले ने फोन बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से ही मृतक के जो परिजन हैं वो काफी परेशान हैं। जयपुर से बड़ी खबर, आपको बता दें कि अंतिम संस्कार को मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रुकवा दिया। हार्ट अटैक के वजह से मृत्यु हुई थी और कंट्रोल रूम को किसी ने ये सूचित कर दिया कि ये हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु नहीं बल्कि ये सुसाइड है। और इस वजह से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया। परिजन जो है मृतक के वो काफी परेशान हैं। हालांकि फेक कॉलर की तलाश जो है पुलिस लगातार करने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता भूपेंद्र विश्नोई फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी भूपेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी देखिए भारती, ये जो नितिन है आदतन शराबी था और आज सुबह अचानक इसके रूम में जो है इसकी डेथ बॉडी मिली थी। उसके बाद परिजनों ने जो है अपने स्तर पर जो है बिना पोस्टमार्टम के शव को यहाँ लेकर पहुंचे शमशान घाट और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उसी वक्त एक फोन जो है कंट्रोल रूम में आता है और उस फोन के जरिए बताया जाता है कि नितिन की मौत जो है नेचुरल मौत नहीं है, यानी जहर खाने से मौत हुई है या उसे मारा गया है। बाद महेशनगर थाना पुलिस शमशान पहुंची है सुबह 10 बजे से 2 बजे अभी ठीक इसी वक्त तक जो है बॉडी जो है शमशान में एक जगह रखी गई है और किसी तरह की जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है परिजनों के साथ समझाइश की कोशिश में जुटी है और उन्हें माहौल ये बनाने की कोशिश में लगी है कि एक जो पोस्टमार्टम है जो एक रूटीन प्रक्रिया है इसको समझाइश प्रयास जारी है। लेकिन परिजन जो है आक्रोशित है, उन्हें सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि आखिर फोन करने वाला कौन था। परिजन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तकलीफ में, जब परिवार वाले जो है उन्हें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिलहाल पुलिस समझाइश कर रही है, आला अधिकारी मौके पर है और समझाइश के दौर जारी है। अब भूपेंद्र ये बताएं कि जो नितिन है जिसकी मृत्यु हुई, तकनीक हमें वैसे लगता है संपर्क टूट गया भूपेंद्र से, लेकिन हम आपको बता दें कि किसी ने कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचित किया कि जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, नितिन का जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो मृत्यु जो है नेचुरल डेथ नहीं है, वो सुसाइड या मर्डर का मामला हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे रुकवा दिया।